अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहसिन योर बायोलॉजी टीचर फॉर एनएमडी कैट सेशन आज हम लेक्चर नंबर थ्री डिस्कस करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के टॉपिक से रिलेटेड है तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ रिप्रोडक्शन के टॉपिक में जो की कंटेंट्स या की कॉन्सेप्ट्स शामिल हैं उसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और इसमें स्पॉम uh, की प्रोडक्शन किस तरह से होती है सेकेंडली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें मैंसरल साइकिल जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहा जाता है इसकी बात करेंगे और लास्ट पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इंक्लूडिंग एड्स एंड अदर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं तो जैसे हम जानते हैं कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में मेल और फीमेल में यह सिस्टम डिफरेंट होता है अगर हम बाकी ऑर्गन सिस्टम्स के साथ कंपैरिज़न करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन जो है वो फंक्शनल होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लेकिन बाकी जो ऑर्गन uh, सिस्टम है बॉडी के वो एट द टाइम ऑफ बर्थ और शॉर्टली आफ्टर द बर्थ उनकी एक्टिवेशन या स्ट्रक्चर की कंप्लीशन जो है वो हो जाती है जबकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट होता है मेल के केस में और फीमेल के केस में जबकि के बाकी ऑर्गन सिस्टम जो है वो लेस और मोर मेल और फीमेल में सिमिलर होते हैं इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोर कम्पलेक्स होता है वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम्स जैसे कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो प्रेगनेंसी के दौरान फिटस को या डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग को नरिश भी कर रहा होता है तो ये डिफरेंट ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कि ऑर्गन सिस्टम को अदर ऑर्गन सिस्टम को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं तो अगर हम स्टार्ट करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जिस

फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ड्यूरिंग इंटरकोर्स ताकि प्रेगनेंसी जो है वो हो सके बिकॉज इन केस ऑफ ह्यूमन देर इज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन सो सीमन शुड बी डिस्चार्ज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू गेट द प्रेगनेंसी थर्ड वन To produce and sex hormones. तो इससे हार्मो प्रोड्यूस होते हैं पर्टिकुलरली टेस्टोस्ट्रॉन एंड एनहिबिन ये दो हॉर्मोन है जो कि खासतौर पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि स्पॉम की प्रोडक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं तो इन ये तो हम बेसिक फंक्शन कंसिडर करेंगे अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन देखें

डिटरमिन किया जाता है जबकि आउटसाइड द बॉडी इसमें से पेनिस जिसको हम कपुलेटरी uh, ऑर्गन कहते हैं स्क्रोటం एंड टेस्टिकल्स जिसको टेस्टिस का नाम भी दिया जाता है तो पेनिस स्क्रोటం एंड टेस्टिकल्स ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आउटसाइड द बॉडी है तो दैट इज अबाउट द फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहें तो इन तमाम जो ऑर्गन है जो कि इसके पार्टस हैं कंपोनेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर वेरिएबली मोर और लेस तमाम मेल के अंदर तकरीबन सेम होता है जिसमें हम बुनियादी तौर पर जो मेनली स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज द टेस्टिस तो टेस्टिकल या टेस्टिस जो है ये एक्चुअली साइट फॉर स्पॉम्प प्रोडक्शन है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जैसा कि स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर तीन बेसिक स्ट्रक्चर हम कंसिडर करते हैं इसमें फर्स्ट वन जो कि मेल गोनेट्स है जो कि स्पॉम प्रोडक्शन की साइट कंसिडर की जाती है सेकेंडली असेसरी डब्स हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही होती है स्पॉम को और उसके साथ साथ असेसरी ग्लैंड है जो कि सीमन की प्रोडक्शन जो है उसके लिए अपनी स्क्रिप्स जो है वो दे रहे होते हैं टेस्टिस की बात करें तो ये टेस्टिस जो है दैट लाई इन अ वॉल ऑफ द बॉडी जिसको नाम दिया जाता है स्क्रोटम ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं और स्क्रोटम के अंदर मौजूद होते हैं और इस स्क्रोटम में होने की वजह या टेस्टिस का आउटसाइड द बॉडी होने की वजह जो है बुनियादी तौर पर टेम्परेचर को बैलेंस करना है हम जानते हैं टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से अप्रोक्सीमेटली टू डिग्री सेंटीग्रेड कम रखा जाता है दैट इज द द एफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पॉम तो स्पॉम को डेवलप कराने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज अप्रोक्सिमेटली थर्टी टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड जो कि आउटसाइड द बॉडी होने की वजह से यह टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है जिसकी वजह से ये में होते हैं एक टेस्टिस का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें टू टू थ्री नोब्यूल्स मौजूद होते हैं और उनमें जो ट्यूब्यूल्स होती हैं दीज आर कॉल्ड एस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अगर हम एक स्ट्रक्चर जैसा कि ये एक स्पॉम का टेस्टिस का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर ये कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कहलाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो रेट टेस्टिस के साथ जो है वो मिलती हैं और उसके बाद वेजा एफिया स्टार्ट होता है तो इसको हम अगर पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी जो कि इस तरह से कन्विलेटेड होंगी और फिर उसके बाद इससे आगे हाईली कन्विटेड रीजन आएगा जो कि एपिडेडमस कहलाता है एपिडेडमस जो है वो कंटिन्यू करता है एस अ डक तो उसको हम नाम देते हैं वेज डेफरेंस ये स्पॉम डक भी कहलाती है वेज डेफरेंस को हम स्पॉम डक का नाम भी देते हैं उसके बाद स्पॉम जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के बिहाइंड से गुजरती है और यूरेथरा के अंदर जो है वो एंटर होती है तो उसके बाद उस स्ट्रक्चर को यूरेनो डक्ट का नाम दिया जाता है अब इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स मौजूद होते हैं तो सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर देखें तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और बाहर सेल्स मौजूद होते हैं ऐसे सेल्स जो कि इन साइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो क्या कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड एज लीडिंग सेल्स या उनको हम सर्टोलाइज सेल्स का नाम देते हैं और ऐसे सेल्स जो कि आउटसाइड द सेमिनिफेरेस्टिब्यूल बिटवीन द सेमिनिफेरेस्टिब्यूल है उनको इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम दिया जाता है अब इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स जो हैं वो आ, इंटर आ, आ, स्पेस या इंटरस्टिशियल में मौजूद होते हैं दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरेस्टिब्यूल इनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन तो जब हम सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो इसमें दो किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं एक हमने कहा लीडिंग सेल्स हैं जिनको दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स दिया जाता है इनसे प्रोडक्शन होती है खासतौर पर टेस्टोस्टेरोन जबकि दूसरा जो सेल्स हैं दैट इज सर्टोली सेल्स जो के नर्सिंग सेल भी कंसीडर किए जाते हैं दीज़ आर प्रेजेंट और इनसे से प्रोडक्शन होती है इनहिबिन की जो कि खास तौर पर स्पॉम की प्रोडक्शन अगर एक्सेसिव हो जाए तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है तो ये दो किस्म के हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही होती है विद इन द टेस्ट सेकेंडली असरी डॉक्ट देखे तो असेसरी डेमिफेरेस्ट्रिब्यूल के साथ एसोसिएटेड है एपिडेडमस एपिडेडमस जो है वो फर्दर कंटिन्यू करती है और उसके बाद स्ट्रक्चर बनता है, जो है इसमें होते हैं और स्टोर होते हैं जबकि इसी एपिडेडमस के अंदर स्पॉम मिच्योर भी हो रहे होते हैं तो अगर हम कीवर्ड के तौर पर देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मिच्योर ट्रांसपोर्ट एज वेल एज स्टोर द स्पॉम जब यहां से जो ये हाईली कन्वेटेड डक्ट होती है और फिर उससे एक स्पॉन डक्ट बनती है जिसको नाम देता है वेस्ट डेफरेंस ये एक मस्कुलर ट्यूब है और कंटिन्यू रहती है कहां से एपेडेडमस से ब्लैडर तक या यूरिनरी ब्लैडर तक इससे अगली डक्ट जो है वो कहलाती है इजेकुलेटरी डक्ट जो कि यूरेथरा में एमटाई होती है और फिर उसके बाद यूरेथरा या यूरेनोजेनिटल डक्ट जो है वो नेक्स्ट जो के स्पॉम को और यूरिन को आउटसाइड द बॉडी ले जा रही होती है अब होता क्या है बुनियादी तौर पर यूरेटर से यूरिनर ब्लैडर और यूरिनर ब्लैडर से यूरेथरा के जरिए यूरिन को बॉडी से पास आउट किया जाता है जबकि स्पॉम से जो यूरेनरी ब्लैडर के लोअर साइड बेस से तकरीबन यहां से इसमें जो है उसके अंदर जब स्पॉम को एंटर किया जाता है तो उसको फिर नाम दिया जाता है इजेकुलेटरी तो यहां से ऑनवर्ड जो यूरेथरा है बुनियादी तौर पर वो यूरिन एज वेल एज स्पॉम से दोनों को कैरी कर रहा होता है इसलिए उसको नाम दिया जाता है यूरेनोजेटर डक्ट इसके बाद असेसरी ग्लैंड देखिए तो असेसरी ग्लैंड में जो सेमिनल वेजिकल मौजूद होता है बिल्कुल एट द बेस ऑफ द ब्लैडर तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो के आ, जो वैस डेफरेंस के अंदर अपने को पोर कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं आ, सेमिनल वेजिकल ये एक सैक लाइक पाउच है जो के अटैच होता है विद द डेफरेंस वैस डेफरेंस और एट द बेस ऑफ द फ्रुक्टोज तो तो मौजूद होता है जो कि नरिशमेंट ऑफ द स्पॉम के लिए रिक्वायर्ड होता है फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये वॉलनट साइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि बिलो द सेमिनल वेजिकल होगा और इसकी जो सिक्रेशन है वो एसिडिक फ्लूड होता है इसमें मुख्तलिफ किस्म के एसिड मौजूद होते हैं और उसके मुकाबले में थर्ड जो है कॉपर्स ग्लैंड जो कि इससे लोअर साइड पर मौजूद होता है दैट इज पी साइज स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट साइड ऑफ द यूरेथरा यूरेथरा के दोनों साइडों पर यह मौजूद होता है थर्ड पोजीशन पे आता है और इसका काम न्यूट्रलाइज करना होता है फ्लूड को जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से हो रही है इसी ग्लैंड को दूसरा नाम हम बल्बो ग्लैंड भी देते हैं सो दीज आर द थ्री आर ग्लैंडिबल टू सिक्रीट दिक्रेशन एंड वेन दिस टाइप ऑफ सिक्रेशन विल मिक्सड विद द दैट विल बी कॉल्ड एस सेमन जिसको हम यूरेनोजेटल ड्रक्ट के जरिए बॉडी से रिमूव कर देते हैं अब जो यूरेथरा का साइज है मेल के केस में लार्ज होता है या कंपैरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू फीमेल बिकॉज यूरेथरा इज द साइज स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेनरी सिस्टम तो यूरेनरी सिस्टम में मेल और फीमेल के केस के में डिफरेंस होता है जिसमें हम कहते हैं कि फीमेल के केस में यूरेथरा का साइज स्मॉलर होता है और मेल के केस में यूरेथरा का साइज कंपैरेटिवली लार्ज होता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी और एंड पार्ट जो है उसको ग्लांस पेनिस का नाम दिया जाता है जो कि बॉडी से रिमूवल के लिए स्ट्रक्चर यूज होता है और इसे पेनिस को कपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है तो वाज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इसकी जो डायग्रामेटिक इलेस्ट्रेशन से ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी जो बकायदा अरेंजमेंट है उसको समझ सकते हैं कि जो स्पॉम की मूवमेंट है वो कहां से किस तरफ को हो रही है तो सबसे पहले टेस्टिस में प्रोड्यूस हुए टेस्टिस के बाद रेड टेस्टिज

मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम कंपेयर करते हैं तो फीमेल के केस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है जिसमें टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरिज मौजूद होती हैं और इसके साथ साथ वैस डेफरेंस के मुकाबले में वहां पे फ्लैपियन ट्यूब या जो ओविडक्ट होती है जो कि एग को ट्रांसपोर्ट रही होती है तो उनके स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं जैसे मैंने कहा कि कंपैरिजन में टेस्टिस के कंपैरिजन में ओवरीज मौजूद होती हैं, क्योंकि ये साइट ऑफ स्पॉम प्रोडक्शन है और ओवरीज जो है वो साइट ऑफ एग प्रोडक्शन है उट साइडीयर फॉर्म ऑफ पेयर जबकि लाइज इन दबडोम बिलो द किडनी ये मौजूद होते हैं और डॉर्स के साथ बॉडी की अटैच होते हैं अगर हम ओवरी और ओवरीडक्ट यूट्रस के स्ट्रक्चर को देखें तो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल के केस में स्ट्रक्चर uh, था तो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लेक्स होता है देन द मेल वाइट इज कम्प्लेक्स बिकॉज सिबल टू प्रोड्यूस दैसे कि वहां पर भी प्रोड्यूस हो रहे थे स्पम्प लेकिन प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये गैस्टेशन के प्रोसेस में भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि प्रेगनेंसी का एक ड्यूरेशन है जो कि मेल के केस में नहीं होता इसी तरह से दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू नरिश द न्यू बॉर्न बेबी जो कि प्लेसेंटा की सूरत में फिटस की डेवलपमेंट और उसके बाद जो है वो मेमोरी ग्लैंड से जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इसका मतलब ये जो है वो मेल्स के मुकाबले में ज्यादा कंप्लेक्स कंसिडर किया जाएगा दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द मेंस्ट्रुअल uh, साइकिल इस पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर खासतौर पर यूट्राइन वॉल के ऊपर एक इंफ्लुएंस uh, मौजूद होता है जिसकी वजह से थिकनेस और वास्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल जो है वो देखी जाती है जो कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्राइन साइकिल में देखेंगे पार्ट्स देखिए अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तो उसमें पहला पार्ट जो देखा जाता है दैट इज ओवरीज जो कि पेयर की सूरत में होती है दीज आर अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल दीज़ आर प्रेजेंट बिलो द किडनी इन एबडोम कैविटी और इसमें फॉलिकल जो है वो एक्चुअली होते हैं जो कि वो जेनेसिस के जरिए एग की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बर्थ के टाइम पे 400,000 तकरीबन फॉलिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं जो कि मिच्योर uh, होने पे प्यूबर्टी आने पे इनका जो कंपोजिशन है या इनके जो नंबर है दैट ओनली 500 और दोनों ओवरीज में ये तादाद होती है जिसमें से हर साइकिल में 10 टू 15 फॉलिकल जो है वो फर्दर मैंसुलर साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं और उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है वो एग की सूरत में डेवलप करता है ओवम की सूरत में और बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं इन टर्म ऑफ फॉलिकुलर एट्रिसिया तो uh, ये जो है एग का जो साइज है वो अप्रॉक्सिमेटली 120 ट्वेंटी माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है जो कि लार्जेस्ट साइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी है उसके मुकाबले में जो जो है है जो है वो वो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता जिसका साइज माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक किया जाता है सो एग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओवरीज में एग की प्रोडक्शन होगी और फिर ओवरी से ओव्यूलेशन के जरिए एग को रिलीज किया जाता है एंड दैट एग विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ओविडक्ट इसी ओविडक्ट को हम फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं ये जो ओविडक्ट है ये नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है और इसका कनेक्शन ओवरी से यूट्रस तक चलता है ओवरी से यूट्रस तक है और इसका जो साइज है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड दैट इज दैट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग तो ये ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग भी ओविडक्ट में होगी और अगर हम स्पेसिफाई करें तो फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज एट द प्रोक्मल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ये दॉक्सिमल रीजन में जो कि नियर द या टुवर्ड्स द ओवरी होगा उसमें इसकी फर्टिलाइजेशन एग की फर्टिलाइजेशन हो रही होती है नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज बॉडी ऑफ द यूट्रस जिसको फंडस का नाम दिया जाता है ये एक पियर शेप स्ट्रक्चर है इलास्टिक है और इसकी इलास्टिसिटी जो है वो एंडोमीट्रियम की वजह से होती है जो कि थिक और हो सकता है 7.5 सेंटीमीटर जो है साइज है इसका दैट इज साइट फॉर फिटस डिवेलपमेंट यहां पर इंप्लांटेशन का प्रोसेस होता है और इसकी तीन लेयर्स होती है जिसमें अगर हम तीनों लेयर्स की बात करें तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पेरीमीट्रियम कहलाती है सेकेंडली मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर होगी और एंडोमेट्रियम जो कि इनर मोस्ट होती है अब जो ये इनर मोस्ट लेयर है ये अपने डायमीटर में चेंज होती रहती है है दैट कैन बिकम थिक और थिनर तो इसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज होता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज द थिकेस्ट लेयर और उसके मुकाबले में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी इसकी थिकनेस बढ़ती या कम होती रहती है बिकॉज ऑफ द वास्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रोन तो ये जो है वो इनर मोस्ट वॉल जो है इसको एंडोमीट्रम का नाम दिया जाएगा अब जैसे ही यूट्रस का जो एंड पार्ट है बिलो द यूट्रस एक नैरो रिंग ऑफ मसल्स मौजूद होते हैं जिसको नाम दिया जाता है सर्विक्स और इसी सर्विक्स की वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक लेबर पेन इंड्यूस होती है बिकॉज ऑफ ऑफ द द स्टिमुलस जो कि जब पुश किया जाता है तो वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है जिसकी वजह से लेबर पेन इंड्यूस होती है और उसको लेबर पेन को पॉजिटिव फीडबैक के जरिए बढ़ाने के लिए जो हॉर्मोन आता है दैट इज ऑक्सीटोसिन तो ये सर्विक्स uh, का पार्ट है और उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है दैट इज दिजाइना ये बुनियादी पार्ट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं अब इसमें जो फीमेल के केस में जो एग के लिए रिलीज होने के लिए या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो यूरिनरी ट्रैक से सेपरेट होता है तो इसका मतलब कॉमन रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक जो है वो मेल में होगा जबकि फीमेल के, के केस में सेपरेट ओपनिंग जो है वो देखी जाती है सो दैट वॉज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि जब हम दोनों सिस्टम्स को कंपैरिजन में देख रहे हैं तो दोनों से जो प्रोड्यूस होने वाले गमीट्स हैं जैसे कि एग्स और स्पर्म है जैसे मेल uh, के केस में स्पॉम की प्रोडक्शन होती है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के केस में एग की प्रोडक्शन हो रही होती है बाय द प्रोसेस ऑफ गमीटोजेनेसिस तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस हैं उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ गमीटोजेनेसिस एक जनरल टर्म यूज की जाती है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गेमिट्स अब जो गट्स की प्रोडक्शन है मेल के केस में उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और फीमेल के केस में हम गमीटोजेस को ओजेनेसिस का नाम देते हैं अब दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो बुनियादी तौर पर स्पॉम प्रोडक्शन होती है स्पॉम प्रोडक्शन जबकि ओजेनेसिस जो है वो एग प्रोडक्शन को कहा जाता है एग या ओवम प्रोडक्शन के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस में जिस परमेटोजेनेसिस है वो मेल के केस में आफ्टर प्यूबर्टी एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जबकि फीमेल के केस में मंथली एक्टिविटी के बाद यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बाद वन एग जो है वो यूजुअली प्रोड्यूस होता है आफ्टर अ मंथ इसी तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में पर अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड मिलियन जो है प्रोड्यूस होते हैं जबकि फीमेल के केस में वन एग पर मंथ जो है वो यूजली प्रोड्यूस हो रहा होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये थ्रू आउट द लाइफ रहेगा प्यूबर्टी से अंटिल द डेथ जबकि मेल फीमेल के केस में जो एग की प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी से लेके एक खास एज तक अप्रोक्सीमेटली 45 इयर्स की एज तक जिसको हम मिनार की तो मेनोपोज का नाम देते हैं तो एग की प्रोडक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 इयर्स की एज में फीमेल में स्टॉप हो जाती है जबकि मेल के केस में स्पम की प्रोडक्शन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है एग की जो प्रोडक्शन है वो एक वो गोनिया से एक ही एग प्रोड्यूस होता है या ओवम प्रोड्यूस होता है जबकि स्पॉम जो है वो एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पॉम जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो ओगोनियम एक से एक प्रोड्यूस होगा और तीन पोलर बॉडीज जो है वो बन जाएंगी एक ओगोनियम से एक एग या ओवम और तीन पोलर बॉडीज बन जाएंगी जबकि एक स्पर्मेटोगोनियम से चार स्पॉम्स की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होगी तो ये कैसे होती है अगर हम स्पर्मेटोगोनियम देखें तो ये एक ऐसा सेल होता है जो कि जर्मिनल एपिथिलियम के साथ एसोसिएटेड होता है और जर्मिनल एपिथिलियम में ये दो तरह के सेल्स होते हैं एक टाइप ए सेल्स कहलाते हैं जो कि फर्दर माइटोसिस के जरिए डिवाइड होते रहते हैं और नंबर में बढ़ते रहते हैं ये टाइप ए कहलाते हैं दूसरे सेल्स होते हैं टाइप बी जो कि डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के, के जरिए यहां पे एक प्रोसेस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्रेंशिएशन और इस डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के जरिए ये डेवलप हो जाएंगे प्राइमरी स्पमेटोसाइट में इसी तुरंत में ओगोनियम जो है वो भी डिफ्रेंशिएशन के जरिए बन सकता है किसमें प्राइमरी ओसाइट में लेकिन यहां पे जो दोनों में डिफरेंस है वो ओगोनियम में कोई भी सेल माइटोसिस के जरिए डिवाइड करके तो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता इसका मतलब फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ बर्थ जो नंबर ऑफ ओगोनियम है वो प्री डिसाइडेड होते हैं जो फर्दर डेवलप हो चुके होते हैं कि कितने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग बनाएंगे लेकिन मेल के केस में जर्मिनल एपिथिलियम होती है जो कि एज अ फैक्ट्री बिहेव कर रही होती है और उसमें सारे सेल्स जो हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं और एक जो बैंक ऑफ द सेल है वो प्रिजर्व रहता है इस वजह से यह प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है इन केस ऑफ मेल जब टाइप बी की डिफ्रेंशिएशन होगी तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी तो स्पर्मेटोगोनिया एक्चुअली डिप्लॉइड सेल होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लोइड सेल होगा उसी तरह से ओगोनियम भी एक डिप्लोइड सेल है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लोइड होगा बिकॉज़ देयर इज़ ओनली डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या हुई कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिवाइड कर सकता था माइटोसिस के जरिए लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो डिवाइड कर सकता है मियोसिस के जरिए तो इसका मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो मियोसिस uh, 1 का प्रोसेस होगा तो इसके जरिए जो डिप्लॉइड सेल थे उससे क्या बन जाएंगे हेप्लॉइड सेल इसी सूरत में यहां पे भी मियोसिस वन का प्रोसेस होगा और उससे बन जाएंगे हेप्लॉइड सेल एक और एक पोलर बॉडी एक को सेकेंडरी ओसाइड कहा जाएगा और एक पोलर बॉडी बन जाएगी इसी सूरत में जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट uh, बना तो इसकी स्पर्मेटिड बने तो यहां पे मियोसिस टू का प्रोसेस होगा दैट विस्पॉन्सिबल टू फॉर्म फोर स्पर्मेटिड्स जो के सारे होंगे और सेकेंडरी वो से जब ओवम बनेगा तो फिर मियोसिस टू का प्रोसेस होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली एक ओवम बनाएगा और तीन पोलर बॉडीज बनेंगी जो कि डिजेनरेट हो जाएंगी अब ये जो पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये एक्चुअली क्या शो करता है देर इज सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट जो एग सेल है वो लार्जेस्ट सेल था तो एग के पास क्योंकि फूड भी स्टोर होनी होती है अर्ली डेवलपमेंट के लिए इम्प्लांटेशन के पहले और जो अब फूड यूज की जाएगी जब फ्लैपियन ट्यूब के अंदर इसकी मूवमेंट हो रही है तो वो एग के अंदर स्टोर होती है जबकि स्पॉम जो है दैट ओन दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द न्यूक्लियस uh, या जेनेटिक मटेरियल तो इसलिए हम कहते हैं कि वो पोलर बॉडीज बन जाती हैं वहां पे जो सेल्स कम uh, जो साइटोप्लाज्म या फ्लूड रख रहे होते हैं या जिनके पास कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं और एक सेल जो है वो एलार्ज हो जाता है जो कि कंपैरेटिवली लार्जर फूड रख रहा होता है अब ये बात तो हमने डिप्लॉयड और हेप्लॉयड के अकॉर्डिंग कर ली अगर हम अमाउंट ऑफ डीएनए के रेफरेंस से भी बात करें अमाउंट ऑफ डीएनए तो डीएनए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फॉर एग्जांपल परसेंटेज में कहते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम के हंड्रेड परसेंट डीएनए था इसी तरह से ओगोनियम के पास भी 100 परसेंट होगा जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो डिफ्रेंशिएशन हुई है 100 परसेंट ही रहेगा और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो इनके पास फिफ्टी डीएनए जो है वो रह जाएगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटेड बनेंगे तो इनके पास इसके मुकाबले में 50 परसेंट हो जाएगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के मुकाबले में

फेरिकल सेल जो है वो अप्रॉक्सिमेटली इलांगेटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें तीन पार्ट बन जाते हैं फर्स्ट वन इज द हेड सेकेंड इज मिड पीस एंड थर्ड वन इज द टेल इस मिड पीस के अंदर जो है ये स्पाइरल रीजन होता है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो दैट इज द साइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और टेल जो है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प कर रही होती हैं इस न्यूक्लियस के पास जो रिजन है हेड का इसमें खास किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं इसलिए इसको नाम दिया जाता है एक्रोसोम जिसमें अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन काइंड ऑफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए जब एग के अंदर स्पॉम जो है वो पेनिट्रेट कर रहा होता है तो उस वक्त वॉल वॉल को आ, को ऑफ़ द एग जो है वो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो दैट वाज़ अबाउट द स्पॉम अब जो आ, हम अगर इसको और ज्यादा प्रिसाइज करें तो से बनने का प्रोसेस जो है वो कहलाता है, लेकिन, से बनने का जो है इसको नाम दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस जबकि वहां ओवम बन रहा होता है ये प्रोसेस जो है इसमें कहीं पर भी कोई ब्लॉक नहीं आता सारा प्रोसेस टोमेटोग से लेकर स्पॉम तक का कोई ब्लॉक नहीं है सारा प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा होता है लेकिन यहां पे जो प्राइमरी ओसाइट बनते हैं वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ये प्रोफेज वन पे ब्लॉक हो जाते हैं जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है और फिर उसके बाद मियोसिस टू के मेटाफेज पे ब्लॉक हो जाते हैं अंटिल द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन तो इसका मतलब यहां पे दो ब्लॉक आएंगे पहला ब्लॉक प्राइमरी वो साइड जो है वो प्रो फेज ऑफ मियोसिस वन पे ब्लॉक होंगे और कब तक ब्लॉक रहेंगे जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी जैसे ही प्यबर्टी अटेन कर ली गई तो उसके बाद सेकेंडरी ओ साइड जो है वो मेटाफेज टू पे ब्लॉक हो गए और मेटाफेस टू पे जो ब्लॉकेज है वो कब तक रहेगी व्हेन द फर्टिलाइजेशन विल अकर सो सेकेंडरी फर्टिलाइट में मेटाफेज टू या म्योस टू कंप्लीट हो जाएगी और अल्टीमेटली ओवम जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रिलीज हो रहा होता है दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट वो ओवम नहीं होता वाई उसको हम नॉर्मली uh, ओवम का नाम दे लेते हैं लेकिन स्पेसिफिकली या टेक्निकली दैट इज द सेकेंडरी ओसाइट क्योंकि वो मेटाफेस टू पे ब्लॉक है जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो मेटाफेस टू का ब्लॉक खत्म होगा और अल्टीमेटली म्योस टू कंप्लीट होके ओवम की फॉर्मेशन हो जाएगी अब एग और स्पॉम में हमने एग का स्ट्रक्चर देखा कि उसमें हेड मिड पीस और टेल है जबकि uh, एग का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी उस सेल का जो साइज है दोक्सीमेटली वन ट्वेंटी माइक्रोमीटर हमने यहां पे उसकी बात की कि ट्वेंटी माइक्रोमीटर तक इसका साइज है और इसमें तीन बुनियादी स्ट्रक्चर्स होते हैं पहला तो इसका न्यूक्लियस का पार्ट है लार्ज साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के गिर्द सेल मेम्ब्रेन मौजूद होगी और उसके बाहर एक थिन मेम्ब्रेन या थिक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको जोना पैलिसडा और मल्टी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसके आउटर साइड पर होता है जिसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा तो दीज आर द द ऑफ़ एग सेल। तो ये एक जनरल कंपैरिजन था एग सेल और स्पॉन सेल के बारे में जो के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं Now, uh, we have to about the उसके अंदर कौन सी फिजोलॉजिकल चेंजेस आती है जो कि प्रेग्नेंसी को अटेन करने के लिए इम्प्लांटेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है तो मैं फीमेल साइकिल को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ नेक्स्ट so, पार्ट जो कि हमारे आज के सिलेबस का हिस्सा है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसको हम साइकिल का नाम भी देते हैं अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बुनियादी तौर पर एक पीरियडिक एक्टिविटी है जो कि 28 डेज में कंप्लीट होती है तो अगर हम इसके डिफरेंट फीचर्स देखें फर्स्ट ऑफ ऑल द साइट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक्चुअली टू साइट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं फर्स्ट वन इज ओवरी जिसमें ओवेरियन साइकिल चल रहा होता है और दूसरे नंबर पर यूट्रस जिसमें यूट्राइन जो है है वो चल रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस काम कर रहे होते हैं और दोनों आ, जो एरियाज हैं उन पे डिफरेंट स्टेजेस जो है वो इनकी काम कर रही होती है सेकेंडली ऑनसेट और स्टॉपेज ऑफ दिस साइकिल तो ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड एस मिनार ये ऐसा प्रोसेस है जो कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जिस वक्त जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा और एग uh, प्रोडक्शन जो है वो प्रोसीड uh, होना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन लास्ट स्टेज जो कि स्टॉपेज ऑफ दिस साइकिल कहलाती है दैट इज मेनोपॉज मेनोपॉज वो टाइम ड्यूरेशन कहलाता है जिस वक्त फीमेल uh, के केस में एग प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली द एज ऑफ फोर्टी फाइव ईयरस यानी कि फीमेल के केस में 45 इयर्स ईयर्स की एज जब अटेन हो जाती है तो नॉर्मली इसके बाद एग प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये फिगर 100% परसेंट फिक्सड हो टाइम दैट इज अर्लियर प्रोसेस और मे बी सम ईयर्स लेटर देन द 45 इयर्स ईयर्स सो दैट इज कॉल्ड एज मेनोपोज प्रियोडिसिटी देखें तो जो एक आइडियल साइकिल है दैट इज 28 डेज लेकिन ये साइकिल जो है इसमें वेरिएशन uh, आ सकती है अमंग द डेज ड्यू टू द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज नरिशमेंट सच एज अनदर प्रोसेस लाइक स्ट्रेस और एनी अदर एनवायरमेंटल कंडीशन जो उसको डिस्टर्ब कर सकती है और इसके अंदर वेरिएशन जो है वो तकरीबन ट्वेंटी डेज टू 33 डेज तक जो है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है लेकिन अगर इससे कम या ज्यादा हो तो अब नॉर्मल कंसिडर किया जाता है थर्ड पॉइंट देखिए तो दैट इज अबाउट द स्टेजेस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको चार बेसिक स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है दैट इज फॉलिकुलर फेज जिसमें प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप करेगा सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी और ग्राफलिन फॉलिकल और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जिसको कहा जाएगा ओव्यूलेशन ये रिलीज ऑफ एग जो है फ्रॉम द द्राफिन फॉलिकल इसको ओव्यूलेशन का नाम दिया जाता है नेक्स्ट वन विल बी ल्यूटियल फेज जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन है जिसमें uh, जो है वो प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुएशन एक ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है तो अगर इस सारी स्टेजेस को देखें तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन

स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट की। रेगुलेशन हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो चार किस्म के हॉर्मोन मेनलीफ एस एच कहते हैं एस्ट्रोजन है. जो के पर्टिकुलरली प्रोड्यूस हो रहा होता है फॉलिकुलर सेल से या ओवरी के अंदर मौजूदा प्राइमरी और सेकेंडरी या टर्सरी फॉलिकल जो है वो इसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर पे से आता है और प्रोजेस्ट्रॉन जो के प्रोड्यूस होता है कॉर्पस ल्यूटियम से और प्लेसेंटा से तो इन तमाम हार्मोन्स को ये किस तरह से रेगुलेट करते हैं इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल uh, साइकिल को ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल में देखेंगे इसके अलावा भी कुछ हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक और हार्मोन एच सी जी जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गुनाइड्रोट्रोफिन कहते हैं ये यूरिन में रिलीज होता है और इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के तौर पर डिटेक्ट किया जाता है इन द यूरिन तो ये

आ, अगर नॉर्मल 28 डेज से साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इसका मतलब है कि फीमेल मेलनरिस्ट है या इमोशनली स्ट्रेस की कंडीशन में है या मेंटल फिटीक है यहां पे हमने कॉमनली फटीक का लफ्ज थकावट का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आम तौर पर मेंटल फटीक का लफ्स जो इस्तेमाल किया जाता है सो तो इन गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन मेलनरिस्ट होगा जबकि स्टिराइल होने की वजह से तो रिप्रोडक्टिव साइकिल चल ही नहीं रहा उसकी डिस्टर्बेंस नहीं आएगी फिटीक मेंटल फिटीक होता तो हम उसको कंसिडर करते और हेल्दी कंडीशन में आमतौर पर ऐसा नहीं होता इलनेस की वजह से किसी डिजीज की वजह से ये कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है जिसमें इमोशनल स्ट्रेस भी एक मेन काज कंसिडर किया जाता है अब जो बुनियादी पॉइंट है इसमें से दैट इज अबाउट द स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा कि मैंने कहा कि चार फेजेस जो है वो कंसीडर किए जाते हैं एट ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल तो इस प्रोसेस को डायग्रामेटिकली या टेबलेटेड फॉर्म में देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ अब जो साइकिल है जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये दो बुनियादी एरियाज पे ये साइट पर हो रहा होता है फर्स्ट वन एट द यूट्राइन वॉल एंड सेकंड इन द ओवरी अब ये प्रोसेस जो है वो दोनों में साइमल्टेनियसली कंसीडर किया जाता है जैसे हम अगर यूट्राइन वॉल पे देखें तो 28 डेज का साइकिल है जिसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो मैं कंसिडर की जाती है ये मैंसुरेशन का जो प्रोसेस है ये तकरीबन थ्री टू सेवन डेज तक का प्रोसेस होता है यानी कि मिनिमम अगर ये ब्लीडिंग का प्रोसेस हो तो थ्री डेज तक और मैक्सिमम ब्लीडिंग जो है वो सेवन डेज तक हो सकती है ये ब्लीडिंग का प्रोसेस होता क्यों है उसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पर जो यूट्राइन वॉल थिक हुई थी उसकी थिकनेस में जो वास्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल जो है वो आई थी दैट बिकम्स रप्चर्ड और जैसे ही वो रप्चर होना शुरू होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यूट्राइन वॉल के सेल जो है वो एज अ सेल डेब्रिज रिमूव होना शुरू हो जाते हैं थ्रू द दिजाइना सो दैट Is as जैसे ही end होती है तो एंड ऑफ देशन टू दुलर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है लेकिन इसी स्टेज को इनकेस ऑफ दर्टिकुलरली यूट्राइन साइकिल यहां पर क्या होगा अब जो प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल होना शुरू हो जाती है मतलब यूट्राइन वॉल की थिकनेस स्टार्ट हो जाती है अब यहां पे इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज का नाम भी दिया जाता है और जैसे ही फॉलिकुलर फेज तकरीबन ये प्रोसेस जो है फॉलिकुलर फेज का सेवन डे से फोर्टीन डे तक का प्रोसेस जो है वो कंसीडर किया जाता है अप्रोक्सीमेटली ये सेवन टू टेन डेज का या मैक्सिमम ट्वेल्व डेज तक ये प्रोसेस जो है वो चलता है और फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है अब फॉलिकल की डेवलपमेंट के बाद जो स्टेज आएगी दैट विल बी ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन में रिलीज ऑफ एग होगी जो कि केस ऑफ वेरियन साइकिल देखा जाएगा कि जो ग्राफिन फॉलिकल मिच्योर फॉलिकल से जब एग रिलीज होगा तो दैट फॉलिकल विल बी कंसिडर्ड एज रप्चर्ड फॉलिकल ये ओवुलेशन का प्रोसेस जो है वो सडन uh, होता है शॉर्टर uh, ड्यूरेशन का होता है लेकिन अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन डे जो है वो आइडियल किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ओवलेशन ये जो एग रिलीज होगा दैट विल लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर आवर्स जो एग सेल है वो ट्वेंटी फोर आवर्स तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है और जैसे ही ओव्युलेशन हो जाती है तो ओव्यशन के बाद पोस्ट ओविलेट्री फेज या फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम ओवेरियन तो साइकिल कहा जाएगा उसी को का नाम दिया जाएगा में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पोस्ट ओविलेटरी फेज है उसके बाद ल्यूटियल फेज है या फेज है वो सेम टाइम ड्यूरेशन को ही नाम दिया जा रहा होता है केस ऑफ यूट्राइन साइकिल कहा जाता है बिकॉज इन दिस फेज इज द रिलीज ऑफ पर्टिकुलरली हॉर्मोन्स जो प्रोजेस्ट्रॉन कंसिडर किए जाते हैं जबकि यहां पे ल्यूटियल इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ल्यूटनाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है इसलिए इसको ल्यूटियल फेज का नाम दिया जाता है ये सेक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज या जिसको हम पोस्ट ओवल फेज कहते हैं दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज ये लॉन्गेस्ट फेज कंसिडर किया जाता है अमंग द प्रोसेस ऑफ द यूट्राइन यूट्राइन वॉल या इसके बाद जैसे ही आप इस cycle, इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा होता है प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन हो रही होती है जैसे ही अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाए तो ये थिकनेस मेंटेन रहेगी और इंप्लांटेशन हो जाएगी और प्रेग्नेंसी स्टैब्लिश हो जाएगी जिसकी वजह से प्लेसेंटा बन जाएगा और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करना शुरू कर देता है और इस डिजेनरेशन की वजह से जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम होता है तो अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है मतलब ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है अब इसी प्रोसेस को अगर हम हॉर्मोनल इन्फ्लुएंस में देखें जब हम यहां पे देख रहे हैं तो थिकनेस हो रही थी थिकनेस मेंटेन हो रही थी और उसके मुकाबले में अपर फेज में ओवेरियन साइकिल में हम Uh, जो है विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स की बात करते हैं जैसे डेवलपिंग uh, फॉलिकल जो है हर मैं साइकिल में 15 टू 20 फॉलिकल जो है वो स्टार्ट होते हैं डेवलप करना और उसमें से कोई एक जो है वो डेवलप करता है और बाकी डिजनरेट कर जाते हैं, जिसको फॉलिकुलर एट्रेसिया का नाम दिया जाता है जैसे ही एक डेवलप करता है वो सेकेंडरी बनता है सेकेंडरी से मिच्योर या ग्राफियन फॉलिकल बनता है जिसको राइपनिंग फॉलिकल भी कहा जाता है और फिर जैसे ही उससे एग रिलीज हो जाता है ओवुलेशन हो जाती है तो उसको फिर रप्चर्ड फॉलिकल का नाम भी दिया जाता है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है अगर प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस होता रहे तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है बिकॉज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इज कॉर्पस ल्यूटियम जबकि अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी तो सेकेंडरी सोर्स के तौर पर प्लेसेंटा जो है वो स्टैब्लिश होता है जिससे प्रोजेस्ट्रॉन uh, प्रोड्यूस हो रहा होता है इसका मतलब यह हुआ कि ड्यूरिंग द कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या गैस्ट्रेशन देर इज द कॉर्पस ल्यूटियम विल रिटेन प्रोड्यूसिंग द प्रोजेस्ट्रॉन और उसके साथ साथ सेकेंडरी सोर्स में प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा होगा प्लेसेंटा अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजनरेट करना शुरू कर देता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम की बजाय कॉर्पस एल्बिकैन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को ओवरी के अंदर हम कलर की बेस पर भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे कि ग्राफिन फॉलिकल या मिच्योर फॉलिकल जो है वो रेडिश कलर में होता है इसके साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जबकि कॉर्पस एल्बिकैन जो है वो व्हाइटिश स्ट्रक्चर के तौर पर डिटेक्ट किया जाता है अगर हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें तो जैसे हमने कहा चार मेन हार्मोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जिसमें पिच्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है एफएसएच जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो जो फॉलिकल डेवलप कर रहे होते हैं दीज फॉलिकल्स वन ऑफ द फॉलिकल विच विल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एस्ट्रोजन हार्मोन ही एस्ट्रोजन का लेवल राइज हुआ तो ये दो काम करेगा एल एच का लेवल राइज हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल की वजह से एल एच बढ़ रहा था एल एच की वजह से ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन की वजह से जो ओव्युलेशन का प्रोसेस हो जाएगा ओव्युलेशन के बाद अब प्रोजेस्ट्रोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और एस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा दैट प्रोजेस्ट्रॉन विल बी विल स्टार्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द पर्टिकुलरली कॉर्पस ल्यूटियम तो ये चारों हार्मोन जो हैं उनका रिदम कौन सा हार्मोन किसकी वजह से बढ़ रहा है या कम हो रहा है ये हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की सूरत में कंसिडर करते हैं कि जो एफ है वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एफ एंड पॉजिटिव दे रहा है एल के लिए एलएच का लेवल जब सर्च करेगा तो उसकी वजह से प्रोजेस्ट्रोन का लेवल राइज करना शुरू कर देगा और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज करना शुरू कर देगा तो ये वो हॉर्मोन हैं जो कि डिफरेंटली बैलेंस हो रहे होते हैं या रेगुलेट हो रहे होते हैं बाय द पिचुट्रिक्लैंड एज वेल एज ओवेरियन स्ट्रक्चर या ओ, ओवरी के स्ट्रक्चर से ये प्रोड्यूस हो रहे होंगे तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं इनकी वजह से मेचुरेशन ऑफ द फॉलिकल प्रोसीड हो रही होती है उट दल सा के बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा मेन लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का रह गया है दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे जिसमें एड्स जेनेटल हर्पेज और उसके साथ साथ गुनोरिया जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं ये बुनियादी तौर पर ऐसी डिजीजेस कंसिडर की जाती हैं जो कि मेनली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट ट्रांसमिट होती हैं इनकी ट्रांसमिशन के लिए इमोरल वैल्यूज और उसके साथ साथ अन हाइजेनिक कंडीशन जो है वो उनको एक्वायर करने से इनकी ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो uh, जो मेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं अप्रोक्सीमेटली थर्टी टाइप्स ऑफ वायरसेस बैक्टीरिया या पैरासाइट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं जो कि डिस्कस uh, करेंगे उसमें gunuria. Gunuria जो है, ये एक की जिसको हम नाम देते हैं निजेरिया गुनोरिया नेम ऑफ बैक्टीरिया इसको डिटर्मिन करने के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया जा सकता नो ब्लड टेस्ट टू डायग्नोस इसके सिम्टम्स में देखिए तो मेल के केस में पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन ठीक ग्रीनिश येलो यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो इसका एक सिम्टम कंसिडर किया जाएगा जो कि ये डिटर्मिन करेगा कि दैट इज द गोनोरिया अगर जो बेबी है एट द टाइम ऑफ बर्थ जब वो बर्थ के नाल से मूव कर रहा होता है तो उस वक्त अगर ये इससे कांटेक्ट करे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है आई इन्फेक्शन हो सकती है और उसके साथ साथ ये इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भी इसकी स्प्रेडिंग पॉसिबल है इस कॉजिटिव एजेंट की या निजेरिया गुनोरिया की जिसकी वजह से गुनोरिया हो सकता है जो इसकी ट्रांसमिशन है यह डायरेक्ट हो सकती है और थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इसकी ट्रीटमेंट देखें तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल किया जाता है जनरली टेट्रासाइक्लिन एज वेल एज पेनिसिलिन ये दो ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है गुनोरिया के अलावा एक और डिजीज जो के हम डिस्कस करेंगे syphilis. Syphilis जो है ये भी एक बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से होती है जो के ट्रेपोनिमा पैलेडम एक्सपायचीट है ये जो सिफिलस है इसको हम तीन बुनियादी स्टेजेस में जो है वो डिटरमिन करते हैं सबसे पहले जो प्राइमरी स्टेज है उसमें अल्सरेशन या सोरनेस कंसिडर किया जाता है सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है वो रैशेस कंसिडर किए जाते हैं और तीसरे नंबर पे जो टर्सरी स्टेज है जो कि डिवास्टेटिंग स्टेज कंसिडर की जाती है इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इफेक्ट इन द नर्वस सिस्टम जो है वो देखा जाता है इसकी वजह से डैमेजेस क्या आते हैं तो उन डैमेजेस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डैमेज करना आईज को स्किन नर्वस सिस्टम बोन्स ज्वाइंट्स एंड हार्ट तो ये वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स uh, हैं जो कि इस इन्फेक्ट की वजह से डैमेज होने के चांसेस होते हैं वट अबाउट द ट्रांसमिशन तो syphilis, जो है इसकी ट्रांसमिशन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से होती है और इसको भी ट्रीट करने के लिए हमें एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करना पड़ता दैट वॉज अबाउट द गोनोरिया एज वेल एज साइफिलिस रिमेनिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जो क्स्ट uh, दो डिजीजेस जो हैं वो डिस्कस की गई हैं दैट इज अबाउट द जेनिटल दर्पिस और उसके साथ साथ एड्स अगर हम जेनिटल हार्पिस बात करें तो ये एक वायरल इंफेक्शन है जो कि हार्पिस सिंप्लेक्स टाइप टू जो है इसकी वजह से ये हो रही होती है इसकी ट्रांसमिशन भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होती है और उसके साथ साथ इसके सिमटम्स uh, देखें तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस जेनिटल सॉर्डनेस एंड अल्सर इन एफेक्टेड एरिया सिबल टू डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ द इनफेंट तो ये वो बुनियादी पॉइंट थे जो कि जेनेटल हर्ब्स में हमें याद रखने चाहिए और विद रेफरेंस टू एमसी को ये जा सकते हैं लास्ट डिजीज जो कि मोस्ट कॉमनली जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज समझी जाती है दैट इज एड्स एड्स को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम का नाम दिया जाता है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज एच सफेरिकल वी जो वायरस कंसीडर किया जाता है जिसका साइज जो है अप्रोक्सीमेटली 100 नैनोमीटर तक देखा जाता है तो ये जो वायरस है जो कि आर एन और सफेरिकल वायरस है दैट इज कॉल्ड एस एच आई वी या ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनोडेफिशंसी वायरस इसके केस में होता क्या है कि एच आई वी खासतौर पर इम्यून सिस्टम के सेल्स लिम्फोसाइड और पर्टिकुलरली हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो जाती है या इम्यून डेफिशिएंसी आती है सो इट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसके केस में जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट ये एक टारगेट स्पेसिफिक वायरस है जो कि पर्टिकुलरली इन्हीं सेल्स पे अटैक इस वजह से करता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डैमेज द सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी रिसेप्टर्स तो इनके ऊपर इन सेल्स के ऊपर सी डी फोर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जिस वजह से इन सेल्स को पर्टिकुलरली अटैक करता है इसी वजह से इस वायरस को होस्ट स्पेसिफिकली कंसिडर किया जाता है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है कंटेमिनेटेड यूटेंसिल्स को यूज करने से मिसाल के तौर पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कंटेमिनेटेड यूज किए गए इसके साथ साथ का इस्तेमाल या ब्लेड का इस्तेमाल जो कि कंटेमिनेटेड हो उसकी वजह से ये ट्रांसमिशन हो सकती है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट दैट इज द मोस्ट कॉमन वे फॉर दिस ट्रांसमिशन और इसकी डिस्कवरी भी पहली दफा होमोसेक्सुअल पेशेंट्स पेशेंट में हुई जिसकी वजह से इसको सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है वो प्राइमरी काज समझा जाता है फॉर इट्स ट्रांसमिशन जो इससे इसको वन ऑफ़ द मोस्ट डेंजरस डिसीज कंसिडर किया जाता है uh, 2019 के एंड तक का डेटा देखें तो अप्रोक्सीमेटली 38 मिलियन पीपल जो है वो इससे इफेक्टेड थे और तकरीबन 26 मिलियन जो है वो सिर्फ अफ्रीकन पॉपुलेशन में थे और 2020 में अप्रोक्सीमेटली uh, 42 मिलियन पेशेंट्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं जो कि इससे अफेक्टेड है इसकी ट्रीटमेंट देखें तो देर इज नो क्योर इसके लिए कोई प्रॉपर वायर जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है इसकी ट्रीटमेंट की बजाय हम कहते हैं प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब कि हमें इसको बचने के लिए इस डिजीज से जो है वो बचने के लिए ओनली वे जो है दैट इज प्रिवेंशन तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या यूज किए जा सकते हैं जो कि इसका ट्रांसमिशन के वेज हैं उन्हीं को समझ के मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान यह चेक किया जाए कि जो डोनर है वो एड्स से इंफेक्टेड तो नहीं है दूसरे नंबर पे जो यूटेंसाइल्स यूज किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली स्टेराइल है और उनको जो है वो कंटेमिनेशन प्योर किया जा चुका है इसके साथ साथ अगर जो सेक्सुअल कांटेक्ट है जो ऑफस्प्रिंग है जिस काउंटर जो पार्टनर है सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए वो अफेक्टेड तो नहीं है और दूसरे तीसरे नंबर पे जो लास्ट पॉइंट इसका देखा जाता है वो ये है कि जिस इंडिविजुअल को जो है अगर मदर को ये प्रॉब्लम हो एड्स की तो वो ब्रेस्ट फीडिंग से अवॉइड किया जाता है जो सकलिंग है उसके लिए तो इसका मतलब ये मुख्त ऐसे कंडीशंस हैं जिसको अक्वायर करके हम एड्स की कंडीशन से बच सकते हैं सो एड्स इज वन ऑफ द डेंजरस डिजीज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजे यहां तक आज का हमारा लेक्चर की डिस्कशन कंप्लीट हुई उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज